हेलो, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। विजेंद्र, एचआर, 44, सुनील, मनीषा, सर, सभी को गुड आफ्टरनून भाई। सर, कमेंट एक बार सेट करना, ऊपर करना, इस पर क्लिक कर दो यार। बस ATSG, अंजू, जांगड़ा, अजय, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सभी को भाई। आज हम तीसरी क्लास लेकर आए हैं। हालांकि आज हमने जो है एडवांस शुरू करना था, आपको बता दें, आज हमने एडवांस शुरू करना था, एडवांस कंप्यूटर हमने शुरू करना था, बट आज किसी कारण एडवांस आपका नहीं हो पाएगा। जो है आज एक क्लास बची हुई है बेसिक की, 30th क्लास, 30 से 30वीं क्लास बची हुई है, वो हम कंप्लीट करेंगे। जी सुरेश सोलंकी, गुड आफ्टरनून। राजेश, तमन्ना, अनु और मनोज, काजल, सभी को गुड आफ्टरनून। गौरव, गुड आफ्टरनून। सुरेंद्र, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज हम बेसिक की लास्ट क्लास हम कर रहे हैं, बेसिक की। और आज मैं ये बताऊंगा आपको, कल एडवांस हम शुरू करेंगे तो टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक है जो, वो कौन सा होगा। एडवांस हम कल शुरू करेंगे क्योंकि एक क्लास अधूरी रहती है, वो क्लास बीच में बंद हो गई थी फुल फॉर्म वाली, तो वो कंप्लीट करेंगे हम। उसके बाद हम कल से जो है एडवांस शुरू करेंगे। जो लाइव देख रहे हैं वीडियो को, एक बार लाइक जरूर कर दें, लाइक का बटन दबा दिया करो, कंजूसी ना किया करो। तो करते हैं शुरू अपनी क्लास, जो हम जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहे हैं हम। जहाँ से हमने ड्रॉप किया था, छोड़ दिया था, वहीं से हम शुरू कर रहे हैं फुल फॉर्म। सर, आवाज़ बहुत कम आ रही है, ऐसा तो नहीं है, आवाज़ फुल है, आप अपना वॉल्यूम चेक करो एक बार। जी नमस्कार भाई। सुरेश, आज बेसिक का ही है फुल फॉर्म फिलहाल, तो टॉपिक का नाम जो कल एडवांस करवाएंगे उसमें टॉपिक का नाम आपको बता दूंगा मैं, ठीक है ना? आज बता देंगे टॉपिक का नाम, कोई बात नहीं। तो मैक की जो फुल फॉर्म है वो क्या रहेगी? मैक की फुल फॉर्म मैकिंटोस, मैकिंटोस रहेगी। जो आपका एप्पल है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक, जो एप्पल होता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मैक। कम आ रही है जी आवाज़, कम आ रही है, एक मिनट भाई। हाँ जी, आवाज़ कम है, अगर दूसरा हाँ जी बिल्कुल, हाँ सुरेश भाई कल, हाँ लेकिन टॉपिक आज बता दूंगा मैं आपको। ओएस की फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एनटीएफएस की क्या फुल फॉर्म है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। मैं कल इसलिए कह रहा हूँ, परेशान मत होना, क्योंकि आवाज़ तो ठीक है भाई, आवाज़ अभी चेक की है। कल एडवांस का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेसिक एक बार हम पूरा कर देना चाहते हैं, चाहे वो फुल फॉर्म हो, चाहे वो शॉर्टकट की हो, चाहे वो आपके एमसीक्यू हो। एमसीक्यू की मैराथन क्लास हो चुकी है, जिसने नहीं देखी वो देख लें। एमसीक्यू की जो सैटरडे को मैराथन क्लास हुई थी वो आपको मिल जाएगी, सारे एमसीक्यू उसमें प्रीवियस ईयर करवाए गए हैं। और ये आज फुल फॉर्म है, जिसके बाद हम कल जो है एडवांस का पहला टॉपिक शुरू करना चाहेंगे, ठीक है? राम राम भाई गुरमीत। GUI, GUI है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। और एक होता है आपका CUI, करेक्टर यूजर इंटरफेस, करेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है ना? कई बार ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम CUI है, यानी कि करेक्टर यूजर इंटरफेस है, ठीक है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ISP, ISP क्या होता है आपका? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, प्रोवाइडर आएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP होता है। यानी कि इंटरनेट के लिए सबसे पहले अपने को किस चीज़ की जरूरत होती है? ISP की जरूरत होती है। अगर आपने इंटरनेट रन करना है अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे, ISP कौन कौन है? BSNL है, आइडिया है, एयरटेल है, जियो है, एट्सेट्रा, ये सभी ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। CGI, CGI क्या है? कॉमन गेटवे इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरफेस है। फैट क्या है? फैट फाइल एलोकेशन टेबल है, फाइल एलोकेशन टेबल है। और VLAN क्या है? वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, VLAN, ठीक है? देखो नेक्स्ट, SSL क्या है? SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर, जो HTTP के अंदर S आता है वही वाला HTTPS जो हम लगाते हैं, HTTPS सिक्योर, ये वही होता है। SSL ले लिया है, ये बोल दिया जाता है कि SSL ले लिया है आपने, यानी कि SSL का क्या मतलब है? सिक्योर सॉकेट लेयर आपका।
उसके बाद है आईआरसी, आईआरसी इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट। एफटीपी आपका क्या होता है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी प्रोटोकॉल जो है किसमें यूज होता है कमेंट करके बताएं। एफटीपी प्रोटोकॉल का मैंने क्वेश्चन बताया था कि एचएसएससी ने पूछा था कि एफटीपी जो है वो किस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा था एचएसएससी ने, एक बार कमेंट करके बताएं। मैं बता चुका हूँ आपको दो से तीन बार मैं आपको बता चुका हूँ, कमेंट करके बताएं इसको कि कैसा प्रोटोकॉल होता है एफटीपी, कैसी फाइल को ट्रांसफ़र करता है एफटीपी, क्वेश्चन क्या था। और क्लास के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि टॉपिक कौन सा करने वाले हैं कल एडवांस के लिए, और उसका बेसिक जो है थोड़ा बहुत उसका बेसिक जो है आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कोई कमेंट नहीं आया किसी का, तो भूल चुके हैं आई थिंक आप। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में पूछा था कि बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल को इंटरनेट पर शेयर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हेल्प करता है, तो एफटीपी हेल्प करता है। कौन सा प्रोटोकॉल, एफटीपी। मनोज कुमार कह रहे हैं मेरी फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं मनोज भाई, 30 क्लास हो चुकी हैं, शुरू से देखना शुरू कर दीजिए आप। सारा बेसिक हम कवर कर चुके हैं, आज हमने एडवांस शुरू करना था लेकिन ये फुल फॉर्म की क्लास रहती थी इसलिए ये फुल फॉर्म की क्लास है। 30 क्लास बेसिक की हरियाणा पुलिस के लिए ऑलमोस्ट 99% बेसिक कंप्लीट हो चुका है, वो आप इसी के नीचे प्लेलिस्ट मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ देख के आप सारी प्लेलिस्ट ओपन करके शुरू से क्लास देख लें। अंजू चौधरी, राधे राधे जी, आरजू राधे भाई। पीसीबी क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी होता है भाई। नेक्स्ट देखिए एचडीडी की जगह नई क्या चीज़ आई हुई है, कमेंट करके बताएं। एचडीडी की जगह नई टेक्नोलॉजी क्या आई हुई है, ये मैंने एमसीक्यू की क्लास में बताया था आपको, एमसीक्यू की क्लास में बताया था कि एचडीडी की जगह नई चीज़ आ गई है, वो नई चीज़ क्या है कमेंट करके बताएं, और उसकी फुल फॉर्म भी बताएं भाई जल्दी कमेंट करके बताएं फटाफट। एचडीडी की जगह नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी कौन सी आ गई है, एचएसएससी का क्वेश्चन था ये, एचएसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि एचडीडी की जगह किसने ले ली है और उसकी फुल फॉर्म क्या है, बताएं कमेंट करके भाई जो भी जुड़े हैं। ही बता भाई एसएसडी नई चीज क्या हुई है, एसएसडी, अब इसकी फुल फॉर्म बताएं, ये तो चलो मैंने बता दिया, इसकी फुल फॉर्म बताएं। कबीर हेलो, इसकी फुल फॉर्म कमेंट करें, एसएसडी की फुल फॉर्म। सुनील भार्गव बिल्कुल बढ़िया है, एसएसडी आई हुई है, इसकी फुल फॉर्म कमेंट करके बताएं एक बार क्या फुल फॉर्म बनेगी। 30 सेकेंड यू हैव, 30 सेकेंड का समय है आपके पास। SSD की फुल फॉर्म मैंने आपको क्वेश्चन में करवाई थी, आई थिंक आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है MCQ वाली, अगर नहीं की किसी ने तो ज़रूर कर लेना वो क्लास, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे के सारे मैंने करवाए हैं। सॉलिड स्टेट डिस्क, बिल्कुल सही सुनील भाई, बिल्कुल सही। तो क्या फुल फॉर्म बनेगी भाई, सॉलिड स्टेट डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क इसकी फुल फॉर्म बनेगी, सॉलिड स्टेट डिस्क, बिल्कुल बढ़िया। राहुल राजीव सही है बिल्कुल। फिर इसके बाद आता है CRM, CRM क्या आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये फुल फॉर्म यहाँ ज़रूरी क्यों है, ये NCERT का चैप्टर है, NCERT का आपका IT का चैप्टर है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर को ही पार्ट बना दिया जाता है। सही है आरजू, बिल्कुल आपका सही है। गुरमीत सर कह रहे हैं सर उस क्लास की PDF कहाँ मिलेगी, गुरमीत अभी उस क्लास की PDF मैंने बनाई ही नहीं, तैयार नहीं की, वो तो PPT थी, वो बना दूंगा आज मैं, कल समय नहीं मिला था, शादी वगैरह में बिजी थे, तो जैसे ही आज बन जाती है आज इवनिंग में रात को आपको प्रोवाइड करवा देंगे। कहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा से फिर बता रहा हूँ, टेलीग्राम पर सर्च कर लेना वैल्यू प्लस कैंपस 2611, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, अगर ये ना मिले तो लाभ सिंह नैन, कंप्यूटर विद लाभ सिंह नैन आप सर्च कर सकते हो,
कंप्यूटर विद लाभ सिंह नैन सर्च कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी चैनल कोई भी ग्रुप आपको मिल जाए वहाँ पे इसकी जो है सारी इमेजेस मैं डाल दूंगा जी। राम राम भाई लोकेश रवीश, राम राम। आरजे 45 की क्या फुल फॉर्म होती है? आरजे 45, आरजे क्यों यूज किया गया था? रजिस्टर्ड जैक, जिसको नाम दिया गया था, जिसको नंबर दिया गया था, 45 नंबर दे दिया गया था। रोहन राम राम भाई, यूडीपी आपका क्या होता है? कमेंट करके बताएं, बताओ फटाफट कमेंट करके बताओ। यूडीपी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था ग्राम सचिव में, क्या क्वेश्चन था यूडीपी के बारे में, वही क्वेश्चन ही कमेंट करके बताओ मेरे को। मैंने करवा रखा है वो आपको 2-3 बार। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो ये लाइव देख रहे हैं बहुत सारे तो पहले से जुड़े हुए हैं और इन्होंने क्लास अटेंड की है। गुरमीत है, राहुल है, आरजू चौधरी है और शायद सुनील भी है, रोहन भी है, आप सभी ने क्लास अटेंड की है एमसीक्यू वाली। तो यूडीपी का क्या क्वेश्चन ग्राम सचिव में पूछा था वो बताएं, क्या क्वेश्चन था वो, लाइनिंग क्या थी, कमेंट करके बताएं भाई। 2 बार करवा चुका हूँ, 2 से 3 बार, एक बार जब मैंने ग्राम सचिव का सोल्यूशन करवाया था तब, और एक बार एमसीक्यू के अंदर फिर से बताया था कि ये क्वेश्चन ग्राम सचिव में आया था यूडीपी के बारे में। क्या क्वेश्चन था भाई कमेंट करके बताएं। राजीव का क्वेश्चन आंसर आया है अनरिलायबल, राजीव बिल्कुल सही है, राजीव बिल्कुल सही आंसर किया आपने, अनरिलायबल के बारे में आया था। अनरिलायबल क्या चीज़, अनरिलायबल, अनरिलायबल प्रोटोकॉल, कि इनमें से कौन सा अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। रोहन कम्युनिकेशन से तो रिलेटेड है ही, ये पूछा था कि अनरिलायबल प्रोटोकॉल कौन सा है इनमें से। ऑप्शन थे TCP/IP, UDP, SMTP, इस तरीके से ऑप्शन थे। तो ये कौन सा है, UDP क्या है, अनरिलायबल है। नेक्स्ट आ जाइए NAT, दो कंप्यूटर बीच में डेटा, अरे नहीं UDP अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, गुरमीत आप भी भूल गए आई थिंक, कम्युनिकेशन अनरिलायबल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही कहा, कनेक्शन लेस, बिल्कुल सही राहुल, बिल्कुल सही, कनेक्शन लेस होता है, अनरिलायबल होता है, और TCP क्या होता है आपका, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। नेट NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, POP क्या काम आता है, कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताएं फटाफट, POP करवाया था क्या काम आता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, कमेंट करके बताएं POP क्या काम आता है, POP, SMTP, IMAP ये सभी मैंने आपको बताए थे किस काम आते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं POP क्या काम आता है। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये आपको मैंने बताए थे कोड होते हैं, जो सबसे पहला कोड बताया था BCD, अब BCD कोड कितने बिट लेता है ये भी कमेंट करके बताएं, BCD कोड जो है कितने बिट्स लेता है, फिर आप बताएं ASCII कितने बिट लेता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। ईमेल को स्टोर करता है राहुल कह रहे हैं, विजेंद्र कह रहे हैं ईमेल, हाँ ईमेल से संबंधित है, सीमा हुड्डा का सही आंसर आया है रिसीव, और राहुल का भी आंसर सही है स्टोर करने का काम आता है। विजेंद्र आपने बताना था कि ईमेल में क्या करता है, सेंड करता है, रिसीव करता है। आज तो एडवांस शुरू होना था, हाँ मोहित भाई आज एडवांस शुरू होना था, लेकिन ये जो क्लास है आपकी फुल फॉर्म वाली क्लास रह गई थी उस दिन अदर में, क्योंकि नेट बंद हो गया था, इसलिए आज ये एक बार पूरी कर लेते हैं, उसके बाद कल से एडवांस शुरू हो जाएगा सेवा को प्राप्त करने के लिए। जी 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 शहीद ओम प्रकाश नमस्ते भाई जी, नमस्ते मोनू, राम राम भाई, राम राम मोनू। तो कमेंट करके बताएं, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। POP सही है आपका आंसर, बिल्कुल सही है। BCD जो कोड होता है वो कितने बिट का होता है या कितने बिट स्टार्टिंग थी, राहुल गौतम कह रहे हैं 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 किस में है, वो ASCII में है भाई, 2 की पावर 7 यानी कि 7 बिट, कितनी बिट थी, 7 बिट भी थी और 2 की पावर 8 यानी कि 8 बिट भी थी, 2 की पावर 8 बिट नहीं थी, ये ध्यान रखना राहुल आपने गलत हो सकता है, ये इस तरीके से नहीं लिखना कि 2 की पावर 8 बिट, ऐसे मत लिखना, 8 बिट हैं, लेकिन अगर ये पूछा जाए 8 बिट में कितने नंबर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, फिर 2 की पावर 8 है। हाँ जी क्लास अब डेली होगी इसी टाइम पर, सोमवार से शुक्रवार, मनोज कुमार जी सोमवार से शुक्रवार 2 से 3 सेम टाइम रहेगा, सेम जगह रहेगी, ठीक है ना। तो BCD में कितनी बिट बताया था लास्ट क्लास में, मैंने आपको इंटरनेट सिक्योरिटी वाली लास्ट क्लास में टॉपिक कवर किया था, BCD के साथ आपको बिट बताया था
कि कितनी बिट जो बीसीडी में होती हैं, तो वो होती हैं चार, चार से छः, यानी कि चार से शुरू हुआ था, लास्ट में आते आते छः बिट इसमें कवर होनी स्टार्ट हो गई थी। ASCII कोड में कितनी बिट होती थी, 7 और 8 बिट होती थी, और यूनिकोड में कितनी बिट हैं जो अब हैं, 16, 8, 32, 64 सारी आ जाती हैं। हाँ बिल्कुल, 6 बिट बाद में, 6 बिट पहले, बाद में 7 बिट। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SNMP। नेक्स्ट देखो भाई, SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की वही फुल फॉर्म है, एस जोड़ दिया, इसका मतलब बन गया आपका स्टैटिक, क्या मतलब बन गया, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। CRC साइक्लिक रेडंडेंसी चेक, साइक्लिक रेडंडेंसी चेक, CRC की फुल फॉर्म बनती है साइक्लिक रेडंडेंसी चेक। LLC की फुल फॉर्म क्या बनती है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, LLC की फुल फॉर्म क्या बनी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ARP की फुल फॉर्म क्या बनी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये इम्पोर्टेंट है आपका, ध्यान रखना, इसको स्टार लगा लेना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। टाइम बढ़ाओ सर, 1:30 बढ़ाएं या घटाएं मोहित, 1:30 कह रहे हो, 1:30 तक तो वही मेरी जॉब का टाइम होता है, नहीं कर सकते, इसलिए आधा घंटा जो है आने जाने में लग जाता है। नेक्स्ट देखो भाई, CLI कमांड लाइन इंटरफेस, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, कमांड लाइन इंटरफेस, CLI कमांड लाइन इंटरफेस, CLI। ASP एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ASP एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ASP। ASP दूसरी फुल फॉर्म भी है ASP की, एक्टिव सर्वर पेज, दो फुल फॉर्म हो सकती हैं, जैसे दो फुल फॉर्म थी आपकी MBR की, MBR की भी दो फुल फॉर्म थी, और आपकी PC की भी दो फुल फॉर्म थी। PC का मतलब था पर्सनल कंप्यूटर, और PC का ही मतलब था प्रोग्राम काउंटर। MBR के भी दो मतलब थे, MBR का था मास्टर बूट रिकॉर्डर, और दूसरा MBR का मतलब था मेमोरी बफर रजिस्टर, जिसे हम MDR भी कह सकते हैं, मेमोरी डेटा रजिस्टर भी हम कह सकते हैं। आई थिंक क्लियर है सभी को। DRAM होता क्या है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM का रिफ्रेश रेट कमेंट करके बताएं, DRAM का रिफ्रेश रेट कमेंट करके बताएं, जो HSSC में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि DRAM का रिफ्रेश रेट कितना होता है, जल्दी कमेंट करके बताएं भाई फटाफट, DRAM का रिफ्रेश रेट कितना होता है। कितना होता भाई DRAM का, किसी को भी नहीं पता, तो आपने पढ़ा क्या है, 2 मिली सेकेंड मिनिमम है ये, मैक्सिमम कितना हो सकता है। राहुल बहुत बढ़िया, राहुल का आंसर सही आ रहा है, राहुल ने आई थिंक अच्छे से पढ़ा है, 2 to 10 मिली सेकेंड, 2 to 10 मिली सेकेंड होता है किसका रिफ्रेश रेट, DRAM का रिफ्रेश रेट, बिल्कुल सही है सुनील, बिल्कुल सही आंसर है, 2 से 10 मिली सेकेंड। आ जाओ, WWW क्या होता है, WWW क्या होता है, और ये क्वेश्चन आ चुका है कि WWW और एक और W इनका मतलब क्या होता है, ये हमने किया था MCQ में, 4 W का क्या मतलब होता है, 3 W का क्या मतलब होता है, जल्दी बताएं कमेंट करके फटाफट, 3 W का क्या मतलब होता है, 3 W का आपके सामने लिखा है वर्ल्ड वाइड वेब, 4 W का क्या मतलब होता है, क्या जोड़ें इसके अंदर बताएं फटाफट। डोज की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ये पूछ लिया जाए कि बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, अगर ये पूछ लिया जाए बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो भी क्या आंसर आता है, DOS, डोज आंसर आता है, क्या आंसर आएगा, डोज आंसर आएगा। गुरमीत सही आंसर आपका, 2 से 10 मिली सेकेंड। वर्ल्ड वाइड वेब, वेग नहीं, शेर सिंह गलत है आपका, मोहित राम राम भाई, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, राहुल सही है बिल्कुल, वॉर्म आएगा बिल्कुल सही है, मोहित राम राम भाई, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म,
ठीक है ना, ये आंसर आएगा इसका। फिर आ जाता है SWF, शोक वेव फ्लैश, शोक वेव फ्लैश। कंप्यूटर, कंप्यूटर की वही फुल फॉर्म होती है जो सबसे पहले मैंने आपको करवाई थी। हाँ बिल्कुल सही है शेर सिंह, अब कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर की फुल फॉर्म जो होती है, जो सबसे पहले पेज पे थी पिछली क्लास में। WMA होता है विंडो मीडिया ऑडियो, जो आप ऑडियो से फाइल बनाते हो लैपटॉप में, तो वो कौन से एक्सटेंशन से बनती है? WMA, विंडो मीडिया ऑडियो। WAV, वेव फॉर्म ऑडियो। WMV, विंडो मीडिया वीडियो। जब आप विंडो से डायरेक्ट कोई ना कोई वीडियो तैयार करते हो तो कौन सा एक्सटेंशन होता है? WMV, विंडो मीडिया वीडियो। W1 होता वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपका W जो था ये LAN के साथ भी था, और ये आपका W जो है WAN के साथ भी आ गया, यानी कि वायरलेस। W का मतलब यहाँ पे वायरलेस है। 100 हो चुके हैं भाई, 100 फुल फॉर्म हो चुकी हैं, जिसमें से 50 जो है आई थिंक पिछली क्लास में थी, 50 इस क्लास में हो चुकी, और देखते हैं मिल जाए तो हमें। राम राम भाई अजय। नेक्स्ट आ जाओ FDD का क्या मतलब है? FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। जी मनोज कुमार, धन्यवाद भाई मनोज। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कितने कितने इंच में होती है कमेंट करके बताएं। DFD, डेटा फ्लो डायग्राम। DFD क्या है? डेटा फ्लो डायग्राम। FDMA क्या है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और DFS क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। DFS कमेंट करके बताएं, फ्लॉपी ड्राइव जो है किन किन इंचों में होती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, फुल फॉर्मों का बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी फुल फॉर्म आपको, तब जाके याद होंगी, अदरवाइज जो है भूल भी जाते हैं। कई ये सोचते हैं कि ऑप्शन से होंगी, ऑप्शन से नहीं होंगी भाई। तो क्या होती है भाई? 3 से 1/2, 5 से 1/4, दो साइज में फ्लॉपी जो है होती थी। जी अंजलि धीमान, गुड आफ्टरनून। देखो भाई नेक्स्ट, CGA, कलर ग्राफिक एरे। CGA जैसे VGA होती है ना, वैसे कलर ग्राफिक एरे। जी नमस्ते भाई मंदी पड़ेवा। सर PDF कहाँ मिलेगी? मोहित मैंने आपको पहले ही बताया, जो PDF है वो अभी तक मैंने बनाई नहीं है, आज बना देंगे, और PDF जो है वैल्यू प्लस कैंपस 2611 के टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, या फिर कंप्यूटर विद लाभ सिंह 9 के टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। सुनील कैंत कह रहे हैं टाइम बहुत बदलते हो जी आप। टाइम अभी तक बदल लिया जितना बदलना था, अब 2 से 3 का टाइम रहेगा सुनील, 2 से 3 का ही टाइम रहेगा। डी टी पी क्या होता है भाई? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसके अंदर आ जाते हैं आपके फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसके अंदर, DTP के अंदर। सही आंसर है सुनील, राहुल सही आंसर है बिल्कुल आपके, सही राइट आंसर है। OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर भी कह सकते हैं, अगर रीडर ऑप्शन में ना हो तो क्या होगा आपका? रिकॉग्निशन। सीमोस भी आया था भाई, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टरी तक है वैसे तो, ये भी एक मेमोरी है, ये किस प्रकार की मेमोरी है कमेंट करके बताएं। सीमोस जो है किस प्रकार की मेमोरी है कमेंट करके बताएं एक बार, सीमोस जो है किस प्रकार की मेमोरी, क्या स्टोर होता है इसके अंदर, बताया था ना मैंने इसके अंदर क्या चीज़ें स्टोर होती हैं, तो बताएं कमेंट करके एक बार, क्या चीज़ स्टोर कर सकते हैं सीमोस के अंदर हम, कैसी मेमोरी है ये।
बताएं जल्दी, तब तक आगे बढ़ते हैं हम। सीमोस जो है किस प्रकार की मेमोरी है? टाइम एंड डेट, विजेंद्र का ध्यान बिल्कुल सही है, टाइम एंड डेट सेव कर सकते हैं, बहुत बढ़िया विजेंद्र। टाइम और डेट उसके अंदर सेव होता है, किसके अंदर सेव होता है? सीमोस के अंदर सेव होता है। सीमोस जो आपकी बैटरी होती है 3 से 5 वाट की बैटरी होती है, वो छोटी सी। बी एम पी क्या होता है? बी एम पी की फुल फॉर्म जो है वो होती है बिट मैप। क्या होती है? बिट मैप। डब्ल्यू ए पी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। जे पी ई जी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जे पी ई जी की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जी राम राम भाई, डेट एंड टाइम बिल्कुल सही है, प्राइमरी मेमोरी है बिल्कुल सही है, प्राइमरी मेमोरी है ये भी, ठीक है ना। ए पी आई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ए पी आई। नेक्स्ट आ जाओ, 113 है। डी बी ए क्या होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अर्पानेट क्या है? अर्पानेट, अर्पानेट क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पानेट के बारे में आप क्या जानते हो कमेंट करके बताएं जल्दी, कौन सी किस सन में अर्पानेट आया था और ये है क्या, बताएं जल्दी कमेंट करके, अर्पानेट है क्या और ये सबसे पहले जो है कब आया था। नाइनटीन राहुल बिल्कुल सही आंसर है, 1969 अर्पानेट पहला नेटवर्क है, पहला क्या है? नेटवर्क है, पहला नेटवर्क है, सबसे पहला नेटवर्क अर्पानेट 1969 अमेरिकन आर्मी डिफेंस, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट था ये आपका, वीडियो को लाइक करना शेयर करना आपका काम रह गया है। फर्स्ट मैसेज सेंड हुआ इसके आने से, हाँ पहला मैसेज सेंड हुआ था इसके आने से, बिल्कुल सही बात है। प्राइवेट नेटवर्क है इन यूएसए आर्मी 1969, सीमा हुड्डा 1969, 1960 के दशक में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, बिल्कुल सही है, अमेरिका मिलिट्री ने यूज़ किया था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। तो ये थी आपकी फुल फॉर्म की क्लास, आधी वो जो पीछे हुई थी क्लास और आधी ये वाली क्लास हो चुकी है। इसके बाद शुरू होता है एडवांस का युद्ध, ठीक है ना, एडवांस का युद्ध शुरू होता है। जो हम कल जो पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा, जो हम कल पढ़ने वाले हैं वो क्या है, कल जो एडवांस में हम पढ़ने वाले हैं वो चीज़ क्या है, बताओ भाई। बेसिक किसी को ना समझ में आया तो बताओ कमेंट करके, कोई भी डाउट हो ना बेसिक से संबंधित तो कोई भी पूछ सकता है भाई, बेसिक पूरा बेसिक हो चुका है, पूरे बेसिक में से कोई किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना, पूरे बेसिक में से किसी का भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं भाई। एडवांस जो है, एडवांस कंप्यूटर, वैसे एडवांस नहीं है ये, वैसे नाम दे दिया गया एडवांस, ठीक है ना, किसी ने भी कह लीजिए कि किसी ने भी कोई नाम दे दिया। सर मुझे बहुत अच्छी लगी क्लास, मनोज बहुत बहुत स्वागत है आपका, अगर अच्छी लगी तो, और बताने के लिए भी धन्यवाद है कि आपको क्लास कैसी लगी। एडवांस जो कंप्यूटर है ये एडवांस नहीं है एक्चुअल में, ये हम जो कर रहे हैं वो 9वीं से 10वीं का हो चुका है, 9वीं से 10वीं का हम पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट, और अभी जो हम पढ़ेंगे वो 11वीं और 12वीं का पढ़ेंगे, 11वीं से 12वीं का कंप्यूटर हम पढ़ेंगे। एडवांस इसलिए कहा है क्योंकि 9वीं 10वीं में बेसिक सा है और बेसिक से थोड़ा सा अलग नाम देने के लिए हमने क्या कर दिया, एडवांस का नाम दे दिया। हाँ सुनील बिल्कुल सही है, एडवांस का नाम दे दिया। जो हम पहला टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं, जो नॉर्मल टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो कौन से टॉपिक हैं, सबसे पहले हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो बुलियन अलजेब्रा हम पढ़ने वाले हैं, बुलियन अलजेब्रा हम इसमें पढ़ने वाले हैं। दूसरे नंबर पे हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो डिजिटल लॉजिक की, डिजिटल लॉजिक इसी का पार्ट है, डिजिटल लॉजिक में आ जाता है ये, डिजिटल डिजिटल
लॉजिक का पार्ट है ये, बुलियन अलजेब्रा, और दूसरे नंबर पे है आपका मैक्स टर्म मीन टर्म, मैक्स टर्म मीन टर्म, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं इसके अंदर आपके गेट्स, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं इसके अंदर आपके गेट, चौथे नंबर पे मैक्स टर्म और मीन टर्म से रिलेटेड है आपका SOP और POS, और पांचवें नंबर पे आ जाती है इसकी आपकी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। तो ये चारों चीज़ पहला टॉपिक होगा डिजिटल का, लैंग्वेज एक्सट्रक्चर बताएंगे, ठीक है ना, एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, ठीक है ना। देखो तो डिजिटल लॉजिक के अंदर जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बुलियन अलजेब्रा, मैक्स टर्म मीन टर्म, गेट, POS, SOP फॉर्म और इनकी एक्सरसाइज, 4 से 5 क्लासों में, ठीक है ना। इट्स माई फर्स्ट क्लास सर, सीमा हुडा, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने पहली बार क्लास लगाई है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक की 30 क्लासें हो चुकी हैं, हम एडवांस शुरू करने वाले हैं। अगर आपने एडवांस पढ़ना है, समझना है, तो एक बार बेसिक आपको सारा समझना पड़ेगा, पूरा बेसिक आप एक बार कवर कर लीजिए। 30 क्लासें हुई हैं बेसिक की। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक जैसे ही ओपन करोगे सारी क्लासें आ जाएंगी, ठीक है ना। धन्यवाद भाई बताने के लिए, ठीक है ना। वो सारी क्लासें एक बार देख लो ताकि बेसिक कवर होगा, तभी आप एडवांस चीज़ें समझ पाओगे, ठीक है ना। वैसे इस चीज़ का कोई रिलेशन नहीं है बेसिक से, जो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका बेसिक से कोई रिलेशन लेना देना नहीं है, लेकिन इसका एक बेसिक से ज़रूर संबंधित है। अगर मैं इसका पार्ट बनाऊँ पहले पार्ट से संबंधित, तो इसका आ जाएगा एक बार बाइनरी एडिशन, बाइनरी एडिशन या बाइनरी अर्थमेटिक कह लीजिए, सीधा बाइनरी अर्थमेटिक, बाइनरी अर्थमेटिक जो है, इससे पहले हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी अर्थमेटिक, या जिसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कौन से, 1 का कॉम्प्लीमेंट और 2 का कॉम्प्लीमेंट। अभी मैंने एक पिछली वीडियो में बताया हुआ था, पिछली क्लासों में बताया हुआ था कि कॉम्प्लीमेंट का एक क्वेश्चन आएगा मैथ में, जो आप कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हो, तो किसी ने नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर रखा था सर किसी भी पेपर में कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन नहीं आया हुआ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पीछे SI का पेपर हुआ था, हो सकता है वो कोड था या कैसे था मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा था कि सर ये 2s कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है, 2s कॉम्प्लीमेंट की, 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, 2 का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है। योर ऑल क्लासेज आर वेर रियली वेरी हेल्पफुल। जी अंजलि स्वागत है आपका। तीरथ शर्मा नमस्ते भाई। सर टोटल कितनी क्लास होंगी कंप्यूटर की, अभी बता देंगे। वो 30 क्लास हो चुकी हैं बेसिक की, एडवांस की कितनी होंगी ये मैं बता रहा हूँ। बहुत अच्छी है सर क्लास, और समझ भी अच्छे से आ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए सौरभ, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये मैं बता रहा हूँ, वो बेसिक की 30 क्लास हो चुकी हैं, ये एडवांस की मैं बता रहा हूँ आपको। तो एडवांस का पहला जो टॉपिक है, ए नंबर जो टॉपिक है डिजिटल लॉजिक, उसके अंदर इतनी क्लास आपकी हो सकती है, 5 से 6 क्लास, अगर एक्सरसाइज उसकी करें। एक्सरसाइज कौन सी लेकर आएंगे हम, NCERT की एक्सरसाइज होंगी इसके अंदर, टोटली टोटली NCERT की एक्सरसाइज होगी, वो हम करने वाले हैं। तो 5 से 6 क्लास पहले टॉपिक की, सिर्फ पहले टॉपिक की 5 से 6 क्लास होने वाली है। दूसरे नंबर पे जो हम पढ़ने वाले हैं DBMS, DBMS के अंदर हमने पढ़नी है जो, वो क्या क्या चीज़ पढ़नी है, फंडामेंटल पढ़ना है, की पढ़नी है, फंडामेंटल हमने पढ़ना है, और DBMS का ही पार्ट है SQL। SQL के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, और इसकी थोड़ी बहुत कमांड है। ऑपरेटर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं HSC के अंदर। तो इसकी जैसे जैसे मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, लगभग एक टॉपिक की एक एक क्लास है, लगभग एक टॉपिक की एक क्लास है, ठीक है ना। जैसे की एक क्लास है, फंडामेंटल पढ़ेंगे तो एक क्लास है, SQL में ऑपरेटर की एक क्लास है, कमांड जो पढ़ेंगे उसकी एक क्लास है। तो DBMS में 4 से 5 क्लास जो हैं DBMS में आपकी बनती हैं। उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, ये लैंग्वेज शुरू हो जाएगी यहाँ से। ये लैंग्वेज है, ये क्या है आपकी लैंग्वेज है, ठीक है ना। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है, लैंग्वेज, लैंग्वेज हम पढ़ने वाले हैं, जो सबसे महान टॉपिक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है,
प्लीज़ टाइम यही रखना अब। हाँ सौरभ भाई, टाइम यही रहेगा, 2 से 3 ही रहेगा। सर एडवांस कंप्यूटर में हरियाणा पुलिस में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? आते ही एडवांस के हैं गुरमीत भाई, बेसिक का तो शायद कोई क्वेश्चन आए, पिछले पेपर उठा के देखोगे तो उसी हिसाब से, तो ठीक है ना, पिछले पेपर उठा के देखो उसी हिसाब से तो आते ही एडवांस के हैं, बेसिक का कोई क्वेश्चन मिलेगा। बाकी HSSC आपको पता है कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, HSSC है कुछ भी हो सकता है। देखो पिछले पेपर उठा के अगर देखो तो लैंग्वेज से, अगर मैं कहूँ लैंग्वेज से, दो क्वेश्चन लैंग्वेज से, प्रोग्राम के दो क्वेश्चन तो प्रोग्राम के, और दो क्वेश्चन जनरल लैंग्वेज से ही, जनरल क्वेश्चन, और दो के लगभग क्वेश्चन जो हैं C++ से, और भी बेसिक, इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं पिछली, अगर मैं बात करूँ पिछले पेपर की, अगर मैं बात करूँ तो आप उठा के देख लेना, कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लेना आप जिसमें हरियाणा पुलिस के क्वेश्चन आए हों कंप्यूटर के, तो वहाँ से आपको अंदाजा आ जाएगा कि किस कितने बेसिक हैं और कितने एडवांस हैं। बेसिक वो है जो हम 30 क्लासों में कवर कर चुके हैं, अब देख लेना कि उनमें से 30 क्लासों में से कोई क्वेश्चन है क्या नहीं है, तो पता चल जाएगा। सोमवी वर्मा, नमस्कार गुरुजी, मुंबई से आपकी क्लास लाइव देख रहा हूँ जी, स्वागत है मुंबई वालों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। परीक्षित दलाल, गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून भाई। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, अभी आपको देखना पड़ेगा ये, तो ठीक है ना, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। आप प्रीवियस ईयर के सेट उठाओ, उनमें क्वेश्चन जरूर देखो कि किस प्रकार के आए हुए हैं, मैंने बेसिक पढ़ लिया है, क्या मेरा कुछ कवर होता है उसमें, अगर नहीं होता तो आप बता देना कि सर ये कवर नहीं हुआ, फिर मैं वो बताऊंगा कि ये एडवांस का पार्ट है, ये आपका बेसिक का पार्ट था, क्योंकि ये आपने करना है, जॉब आपने लगना है, टीचर ने नहीं लगना। और फिर दूसरी बात रही, बात ये आ जाती है, अगर टीचर सारी चीज़ सोचेगा तो फिर आप क्या करोगे, अगर टीचर बताएगा सारी चीज़ें कि ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा, तो फिर आप क्या करोगे, आप कुछ करो ताकि आपको ये पता चले कि टीचर जो करा रहा है वो टाइम पास है या एक्चुअल में वो पेपर में आता है, ठीक है ना। अगर टाइम पास है तो उसी टाइम ड्रॉप कर दो, वो चैनल छोड़ दो, वो वीडियो छोड़ दो, अगर टाइम पास हो रहा है तो। अगर आपको ये लगता है कि ये चीज़ बेटर है और ये चीज़ एग्ज़ाम में आने वाली है और आई हुई है, तो वो पकड़ के बैठ जाओ, वो चीज़ आप करो। तो लैंग्वेज में जो हम लैंग्वेज इकट्ठी ही करने वाले हैं वो C++, JavaScript, HTML और Python, ये इतनी लैंग्वेज करने वाले हैं। लेकिन जो नए देख रहे हैं उनको बता दूं, ये मत सोचना कि इतनी लैंग्वेज को सर कैसे कवर करवा देंगे, आप पुरानी प्लेलिस्ट उठा के दे सकते हो, एडवांस कंप्यूटर फॉर HSSC पुरानी प्लेलिस्ट है, इसी चैनल पे है। जब भी आप एडवांस कंप्यूटर फॉर HSSC ढूंढोगे वो प्लेलिस्ट सबसे ऊपर आ जाएगी, यूट्यूब में अगर ढूंढोगे तो, उसमें मैंने आपको ये सारी लैंग्वेज एक बार में ही करवा रखी है कि इस लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, इसमें ऐसे बोलते हैं। मराठी में करवा सकते हो क्या सर, आप टीचिंग स्किल बहुत अच्छी है आपकी, आई एम बिग फैन ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट स्वामी वर्मा। आई कैन नॉट टीच इन मराठी बट आई कैन टीच इन इंग्लिश ऑल्सो, आर ऐप आर कमिंग, ऐप इज कमिंग, ऐप एप्लीकेशन VPC 2611 इज कमिंग सून, मे बी नेक्स्ट वीक, देन यू कैन परचेज द कोर्स एंड आई विल टीच यू इन इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी आई विल यूज, बट मराठी सॉरी फॉर दैट। रास्ता दिखाओ सर आप, अंदर हम जाएंगे, हाँ हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल सौरभ, ठीक है ना। तो पाइथन, ये सारी चीज़ें जो है हम किस में पढ़ने वाले हैं, लैंग्वेजेस में पढ़ने वाले हैं। फिर दो टॉपिक, एक लैंग्वेज का एडवांस पाइथन है, एडवांस पाइथन नाम दिया गया है 12वीं क्लास में, एडवांस पाइथन नाम दिया गया एडवांस पाइथन, लेकिन वो है डेटा स्ट्रक्चर, वो है डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं, नाम एडवांस पाइथन दिया गया है। उसके बाद जो हम लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है, कंप्यूटर नेटवर्क, CN, कंप्यूटर नेटवर्क। जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें OSI लेयर आपकी आ गई, OSI लेयर। ये पूछा गया था पिछली प्रीवियस ईयर में, क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो प्रोटोकॉल है कौन सी लेयर पे वर्क करता है, या ये पूछा गया था चौथी लेयर कौन सी होती है, OSI मॉडल की फोर्थ लेयर कौन सी होती है पूछा गया था। तो OSI लेयर जो है कंप्यूटर नेटवर्क के टॉपिक में हम एडवांस में पढ़ने वाले हैं।
एक क्वेश्चन पूछा था विक्की भाई ने, क्वेश्चन पूछा था कि सर DHCP क्या होता है, वो भी हम एडवांस में पढ़ने वाले हैं। विक्की आ गया, नाम लिया और विक्की आ गया। आप हरियाणवी में भी करवाओ सर। अच्छा, हरियाणवी में भी गुरमीत, मराठी में करवाओ तो सर हरियाणा वाले तो भाग जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल सही है अर्जु चौधरी, हरियाणवी में भी कोर्स उतार दे गुरमीत भाई, चिंता ना करो। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर टू, अशोक अशोक ऐसा कुछ नहीं है। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर टू, ऐसा कुछ नहीं है। NCERT बेस ही है ना सर? हाँ बिल्कुल सोमी भाई, NCERT बेस है। कितनी देर होगी क्लास में? ज्योति पूछ रही है कितनी देर होगी क्लास में। क्लास खत्म होने वाली है ज्योति, क्लास खत्म होने वाली है। मैं सिर्फ एडवांस के टॉपिक बता रहा हूँ, एडवांस के टॉपिक मैंने आपको बताए हैं सिर्फ, कि कल हम जो शुरू करने वाले हैं वो यहाँ से शुरू करने वाले हैं। कल जो हम शुरू करेंगे इन टॉपिकों से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बाइनरी अर्थमेटिक आपको करवाऊंगा, कॉम्प्लीमेंट्स, उसके बाद बुलियन अलजेब्रा, मैक्स टर्म मीन टर्म, SOP और देन गेट्स और देन उनकी एक्सरसाइज। ठीक है जी? अभी किसी का कोई भी बेसिक में से कहीं से कोई क्वेश्चन पढ़ा हो, किसी भी बुक से बेसिक का कोई क्वेश्चन ऐसा पढ़ा हो जो आपको नहीं आता हो तो पूछ सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 सही कह रहे हो अशोक। ठीक है ना, समझने के तरीके होते हैं अशोक, कोई फिक्स नहीं होता कि दो होती हैं। ठीक है ना, टाइप में कभी भी, मतलब कंप्यूटर में कभी भी ऐसे मत जाना, पकड़ के बैठ जाना कि दो टाइप हैं, तीन टाइप हैं। अब मैंने आपको मेमोरी के एग्जांपल दिया था कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है, सभी को पता है कि दो प्रकार की मेमोरी होती है। लेकिन जो ये लगातार पढ़ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप इनसे पूछ के देखो मेमोरी कितने प्रकार की हमने पढ़ी है, कितने प्रकार की मेमोरी पढ़ी है भाई हमने। प्राइमरी मेमोरी भी कितने प्रकार की हमने पढ़ी है। प्राइमरी मेमोरी वैसे जनरली दो प्रकार की हम पढ़ते हैं, रैम और रोम, लेकिन हमने 3 से 4 प्रकार की हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ी है। जी धन्यवाद अर्जु चौधरी। एक्सपेक्टेड डेटा क्या है सर हरियाणा पुलिस का? एक बार कंप्लीट हो जाए ये, एक्सपेक्टेड डेटा भी बताएंगे फिर क्या होगा। एक्सपेक्टेड डेटा भी बताएंगे भाई सोमी, क्या होगा एक बार कंप्लीट कर लो आप सिलेबस। ठीक है ना? नो डाउट तीर्थ शर्मा। ठीक है भाई, अभी अगर कोई डाउट नहीं है तो करते हैं सम ऑफ बेस्ट टीचर ऑफ वर्ल्ड। ओके सौरभ शर्मा, जी, सौरभ तो मिलते हैं कल। एक बात ध्यान रखना, शेयर कर दो सभी मित्रों में, सभी जितना भी सर्कल आपका उन सभी में शेयर कर दो, बता दो कि कल जो है एडवांस कंप्यूटर पहली क्लास होगी, मिस मत करना। लाइव देखोगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, क्योंकि लाइव में अगर कोई डाउट हो गया तो क्वेश्चन पुट कर सकते हो, अदरवाइज बाद में क्वेश्चन पुट करोगे, रिप्लाई मिले ना मिले, कोई कमेंट देखा जाए ना देखा जाए, लाइव में वही चीज़ें देखी जाएंगी, बताई जाएंगी। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए